नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक, 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है जब 40 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए, इसको हल करते हैं। नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 40 किग्रा व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो कहता है औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाता है। तो देखिए, यानी 10 व्यक्ति है तो 10 गुना 2, तो देखिए 40 और 10 दूनी 20, 60 किग्रा। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो गया? 60 किग्रा। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं 3 लड़का, ठीक है। मान लेते हैं पहला लड़का का भार 3 किग्रा है, यानी 3 केजी, दूसरा लड़का का 5 किग्रा और तीसरा लड़का का 7 किग्रा। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? 3 से भाग देंगे। तो देखिए औसत कितना आ जाएगा, यानी इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 15/3, इसको भाग देंगे 5, तो कितना आ गया औसत? 5। देखिए 3 लड़का का औसत भार मान लेते हैं 5 किग्रा है, ठीक है। तो कुल भार देखिए कितना होगा, यानी ये दोनों गुना होगा तो निकल जाएगा कुल भार 15 किग्रा, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि 2 किग्रा की वृद्धि हो जाता है औसत, देखिए इस क्वेश्चन देखिए यहाँ 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है औसत भार में, तो इसमें भी अगर इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए कि 2 किग्रा की औसत भार वृद्धि हो जाती है, तो औसत भार यहाँ 5 है प्लस 2 किग्रा की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा औसत भार? 7 किग्रा। यानी देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 40 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, उसी तरह हम मान लेते हैं 7 किग्रा भार वाले लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है तो औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाता है। तो देखिए कुल भार कितना हो जाएगा, यानी 3 गुना 7 = 21 किग्रा, ठीक है। तो भार में कितना वृद्धि हो गया, देखिए 15 से 21, 6 किग्रा। तो 6 किग्रा हम लोग निकालें कैसे? तो देखिए 3 लड़का है और यहाँ 2 किग्रा की वृद्धि हो रहा है तो 3 गुना 2 करेंगे, देखिए तो नए लड़के का भार, मान लेते 7 किग्रा भार वाले लड़के का स्थान पर नया लड़का को लाते हैं तो 2 किग्रा औसत भार में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 7 यहाँ लिखेंगे और वृद्धि कितना हो रहा है, तो 3 लड़का है और 2 किग्रा, तो 3 गुना 2 करेंगे, 3 गुना 2, तो देखिए 7 और 3 दूनी 6, 7 6 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 13 किग्रा। यानी नए लड़का का भार कितना होगा? 13 किग्रा। यानी 7 किग्रा के स्थान पर अगर 13 किग्रा वाले लड़का इसमें शामिल कर देंगे, जैसे देखिए 3, 5 और 7 के जगह पर 13 किग्रा भार वाला लड़का लाएंगे तो इसको 3 से भाग देंगे, देखिए 5 3 8 और 13 21, 21/3, इसको भाग देंगे तो देखिए 7। यानी औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यानी 13 किग्रा वाले लड़के यहाँ पर अगर तीनों में मिला देंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, 2 किग्रा की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, औसत भार में तो निकल गया। तो उसी तरह इसमें इस क्वेश्चन को किए, देखिए 40 किग्रा है और टोटल यहाँ 10 व्यक्ति है, ठीक है। तो 10 व्यक्ति है, इसको 2 किग्रा करके वृद्धि हो रहा है, तो
तो टोटल वृद्धि कितना हो गई? जैसे यहाँ देखिए, तीन लड़का था, औसत देखिए दो वृद्धि हो रहा था 2 केजी, तो 3 दूनी 6 हुआ। तो उसी तरह यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा। देखिए 10 दूनी 20 किग्रा वृद्धि हो गया, तो 40 और 20 यानी 60 किग्रा वाला व्यक्ति नए व्यक्ति का भार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक चरवाहे ने 13 भेड़े तथा 9 बकरियां 12,860 रुपये में खरीदी। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपया हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा? देखिए 13 भेड़ का कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना निकल जाएगा? देखिए एक भेड़ का दिया औसत मूल्य 740, तो 13, तो इसको गुना कर देंगे, 13 × 740 रुपया, तो 13 भेड़ का कुल मूल्य कितना आ जाएगा? कुल क्रय मूल्य, इसको गुना करेंगे तो देखिए 9,620 रुपया आएगा। ठीक है, 9,620 रुपया 13 भेड़ का क्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य इतना है, तो एक बकरी का, तो बकरी कितना है? टोटल 9 बकरी है। देखिए 13 भेड़ प्लस 9 बकरी दोनों को मिला के लगता है 12,860 रुपये। तो 13 भेड़ का अगर आ रहा है 9,620, तो 9 बकरी का कितना निकलेगा? इसको इसमें माइनस कर देंगे, इसमें घटा देंगे, तो 9 बकरी का मूल्य निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य 9 बकरियों का कुल मूल्य, यानी कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, यानी इसमें घटा देंगे 12,860 रुपये में 9,620 रुपये, इसमें माइनस करेंगे तो 3,240, यानी 3,240 रुपये 9 बकरी का। अब देखिए 9 बकरी का आ गया 3,240, तो एक बकरी का कितना, यानी इसको 9 से भाग दे देंगे, तो एक बकरी का निकल जाएगा, इसलिए एक बकरी का औसत मूल्य 3,240 है 9 बकरी का। एक बकरी का 9 से भाग दे देंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54 भाग लग गया 360, 360 रुपया, यानी एक बकरी का औसत मूल्य कितना निकल गया? 360 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बस 8 घंटे में 400 किमी दूरी तय करती है, बस की औसत चाल क्या होगी? देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 400 किमी, और समय 8 घंटा, इसको भाग देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया 50 किमी प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा कितना स्पीड से चलता है? 50 किमी, 1 घंटा की चाल है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो औसत चाल निकल गया। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।